हाँ जी नमस्कार, मैं हूँ राघव जुयाल और आज मैं लाइव आया हूँ ये जानने कि धर्मेश भाई शादी नहीं कर रहे, वो हमें पता है, सबको पता है, लेकिन मैं सर से पूछना चाहता हूँ। सर वो बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, मतलब उम्र निकलती जा रही है, एक टाइम पे केसर वाला दूध भी काम नहीं आएगा सर। बिल्कुल, तो सर वो शादी नहीं कर रहे धर्मेश भाई, उसका मैं मतलब क्या क्या बोलूँ उन्हें, मतलब आप कुछ। यार एक तो वो ना बात क्लियर नहीं बोलता है ना, वो उसको उस वक्त ये हुआ, इधर ये हुआ, वो वैसे करके वैसे हो गया, स्पेसिफिक नहीं हो रहा है। आई थिंक पहली चीज ये है कि उसको स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ सिखाना पड़ेगा कि जब वो किसी लड़की से मुखातिब हो, बातचीत करे, बिल्कुल सर, क्या बोले क्या बोले। मेरे को लगता है मैं उसको एक लाइन सिखाता हूँ, तुम उसको अगर सिखा पाओ। बिल्कुल सर, होगा बिल्कुल सर। वो जिस लड़की को भी प्यार करते इज्जत से उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलूँ कि तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, तेरी सुल्फों की लहराती अफाइयाँ, नहीं भूलूंगा मैं जब तक जान, जब तक जान, जब तक जान। एंड प्रॉमिस, तुम्हारा नाम तो मैं कभी नहीं भूलूँगा, ये बोलना पड़ेगा। ट्राई करो, ये हो सकता है सर, कोशिश करो कि इतनी लाइनें याद हो जाए। डांस स्टेप तो उसको बहुत याद रहती है, ये सर लाइंस याद, सब शब्द कोश की कमी है सर उनके, और यही प्रॉब्लम है। इसलिए तुम आराम आराम से एक एक लफ्ज, एक एक अल्फाज जो है सही तरह समझा कर उससे। ठीक है सर, सर ऐसा तो नहीं होगा वो बोलेंगे कि फिर ये तो उनकी लाइन है, शाहरुख खान की लाइन है, तुम अपनी क्यों नहीं बोल रहे, ये भी हो सकता है सर। मेरी भी नहीं है एक्चुअली, जो लाइन दिल से बोल देता है उसकी हो जाती है। यहाँ क्या बात है सर। तो भाई धर्मेश भाई, जो हमारी जनता है और हम लोग हैं, हम ये कहना चाहते हैं आपको कि बहुत ज़रूरी है कि आप ना अपनी लाइन ढंग से बोलो, क्या एकदम खुल के बोलो और ऑनेस्टली बोलो, है ना, बाकी देखी जाएगी। सर इधर देखा ही नहीं सर, अरे इधर आ जाते थे यार सेंटर में, आप थोड़ा पीछे आ जाओ। पार्टी पार्टी पार्टी, अरे क्या कर रहे, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे आना, पीछे आना, पीछे आओ यार, ये सब पीछे करो, खाली क्या खाते हैं। शाहरुख भाई, शाहरुख भाई, ये सारा करेंगे, फ्लैश फ्लैश है पीछे। शाहरुख भाई सामने एकदम सामने भी ऊपर ऊपर की तरफ सामने सेंटर खान साहब सेंटर खान साहब यहाँ पे सेंटर हाँ जी नमस्कार, मैं हूँ राघव जुयाल और आज मैं लाइव आया हूँ ये जानने कि धर्मेश भाई शादी नहीं कर रहे, वो हमें पता है, सबको पता है, लेकिन मैं सर से पूछना चाहता हूँ। सर वो बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, मतलब उम्र निकलती जा रही है, एक टाइम पे केसर वाला दूध भी काम नहीं आएगा सर। बिल्कुल, तो सर वो शादी नहीं कर रहे धर्मेश भाई, उसका मैं मतलब क्या क्या बोलूँ उन्हें, मतलब आप कुछ। यार एक तो वो ना बात क्लियर नहीं बोलता है ना, वो उसको उस वक्त ये हुआ, इधर ये हुआ, वो हुआ, वैसे करके वैसे हो गया, स्पेसिफिक नहीं हो रहा है। आई थिंक पहली चीज ये है कि उसको स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ सिखाना पड़ेगा कि जब वो किसी लड़की से मुखातिब हो, बातचीत करे, बिल्कुल सर, क्या बोले क्या बोले। मेरे को लगता है मैं उसको एक लाइन सिखाता हूँ, तुम उसको अगर सिखा पाओ। बिल्कुल सर, अच्छा होगा, बिल्कुल सर। हाँ, वो जिस लड़की को भी प्यार करते इज्जत से उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलूँ कि तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, तेरी सुल्फों की लहराती अफाइयाँ, नहीं भूलूंगा मैं जब तक जान, जब तक जान, जब तक जान। एंड प्रॉमिस, तुम्हारा नाम तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये बोलना पड़ेगा। ट्राई करो, ये हो सकता है सर,
कोशिश करो कि अपनी लाइनें याद हो जाए, डांस स्टेप्स तो उसको बहुत याद रहती है। ये सर लाइन याद, सब शब्दकोश की कमी है सर उनके, और यही प्रॉब्लम है। इसलिए तुम आराम आराम से एक एक लफ्ज़ एक एक अल्फाज जो है सही तरह समझा कर उससे। ठीक है सर, सर ऐसा तो नहीं होगा वो बोलेंगे कि फिर ये तो उनकी लाइन है, शाहरुख खान की लाइन है, तुम अपनी क्यों नहीं बोल रहे, ये भी हो सकता है सर। मेरी भी नहीं है एक्चुअली, जो लाइन दिल से बोल देता है उसकी हो जाती है। यहाँ क्या बात है सर। तो भाई धर्मेश भाई, जो हमारी जनता है और हम लोग हैं, हम ये कहना चाहते हैं आपको कि बहुत ज़रूरी है कि आप ना अपनी लाइन ढंग से बोलो, क्या एकदम खुल के बोलो और ऑनेस्टली बोलो, है ना, बाकी देखी जाएगी।